हेलो 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 टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। मेरा नाम है राणा रोशन, वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन फिजिक्स हब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं बेसिस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स और क्या बोलूँ मैं। और तो मेरा नाम है राणा रोशन, मैं धनबाद का ही रहने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो आप अपने सामने देख रहे हो, बीएससी फिजिक्स ऑनर 2022 का पेपर आया था। ये 21 का हालांकि ये दिया हुआ, बट ये 2022 में एग्जाम हुआ, ये कल का ही है। डैट मीन्स बोले तो आज तारीख है 22, तो 21 फरवरी का ये वीडियो है। मतलब कि ये क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ था उसका है, फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चे के लिए है ये, जिनका सबसे और जिनका ऑनर्स फिजिक्स है और सबसे में मैथ्स हो तो डजेंट मैटर, बट जिनका फिजिक्स है उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा से इससे क्या होता है, इस क्वेश्चन पे अगर आपके पास रहेगा तो स्क्रीनशॉट लेके रखो इसको, इससे आपको अगले नेक्स्ट वाले एग्जाम में थोड़ा सा आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि हाँ किस किस क्वेश्चन को आप छाटना है और किस किस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, मैं इस सबका सारा आंसर जो है वो मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा, सारे वेक्टर। मैं तो पहले वेक्टर कैलकुलस पे वीडियो बनाऊंगा, देन मैं फिर डालते जाऊंगा, आपको इस पे सारे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो ज़्यादा टाइम करते ना, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये है सेमेस्टर टू का, सेमेस्टर टू फिजिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं सेमेस्टर टू फिजिक्स ऑनर्स के लिए क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जो आप पेपर देख रहे हो ये सेमेस्टर टू में आया था। ठीक है, और ये फिजिक्स के लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए सर, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हो तो ये कोर थ्री है। ठीक है, थ्री कोर है 2021। ठीक है, टाइम 3 आवर है लिखा हुआ है, फुल मार्क्स 60 का है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट्स फुल मार्क्स। ठीक है, तो आपको आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच, आपको टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो नंबर 1 में आप देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आपको करना ही करना है। ये 6 मार्क्स का है, एक एक क्वेश्चन है, टोटल 6 है और 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन नंबर ए है, द नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट, दिस इज नॉन एज क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का आंसर होता है। ठीक है, ये बेसिकली इजी है, तो ऐसा एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। ठीक है, और फिर अब हम डिस्कस करेंगे, ये था पेपर, ये अब सेकंड पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकंड पेपर क्या है सर, तो सेकंड पेपर है हमारा बी। ठीक है, बी 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 ये रहा हमारा बी का दूसरा मटेरियल्स हुस, बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ मैग्नेटिक हुस, एक मिनट, हाँ, मटेरियल हुज परमेबिलिटीज आर स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्री स्पेस आर एट अ पैरामैग्नेटिक, मैं बस क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ अभी आपसे। और वर्क डन इन ए डिस्प्लेसिंग ए चार्ज ऑफ 10 कूलम थ्रू 10 मीटर और एन इक्वीपोटेंशियल सरफेस, इतना इतना इतना, तो ये सब सारा बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज जीरो, वैक्यूम डायरेक्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है, जीरो, ठीक है, वर्क डन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज, इक्वीपोटेंशियल सरफेस, तो ये सब रहा एमसीक्यू क्वेश्चन जो डी डी तक देख रहे हो। फिर इस सब का मैं वीडियो बना दूंगा पूरा अच्छे से, जब टॉपिक डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा कि हाँ ये कब पूछा गया, ये कब पूछा गया, ये कब पूछा गया। अभी आपको जस्ट क्वेश्चन पेपर का डिजाइन देखना है। ठीक है, ये हो गया डी तक। अब आते हैं ई नंबर में, जो आप स्क्रीन शॉट लेते जाना। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द एसआई यूनिट इज क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, मतलब ये सब क्वेश्चन है टोटली डिस्कस करने वाला। ठीक है, और उसके बाद आता है जो आपको मेन जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया, देन फिर आएगा नंबर एफ में, एफ में क्या आ गया सर, एफ में आ गया, एफ में क्या आया, तो द इन एलसीआर सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आपको देख लेना क्या कौन सा सही होगा। ठीक है, फिर राइट शॉर्ट नोट्स आंसर टाइप्स क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे 3 x 2 है, यानी 2 क्वेश्चन है आपका, 3 3 नंबर का, 6 नंबर का। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, और दूसरा क्वेश्चन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर ये था टोटल 1 का। अब आता है 2 नंबर क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रो स्टैटिक्स यूज दिस टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर
एक्सप्रेशन फोर, यहाँ तक अपना स्क्रीनशॉट लिया 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 सर लिया लिया लिया। उसके बाद है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है क्या है सर, थर्ड क्वेश्चन है डिराइव पोजीशंस एंड लैपलेस इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थ्री नंबर क्वेश्चन यही है। ठीक है, और फिर देन ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का। ठीक है, और नंबर चार में क्या, डिराइव द रिलेशन डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, ये आपको डिराइव करना, ये रिलेशन है, मैं बताऊंगा। नंबर क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट क्रिचॉफ्स लॉ एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एंडरसन ब्रिज विथ नीट डायग्राम। सारा 12 नंबर का है आपका, आपको पता है टोटल 5 ही क्वेश्चन बनाना है। टोटल कितना बनाना है, 5 क्वेश्चन बनाना है सर। फिर आता है स्टेट 6 नंबर आता है स्टेट एंड प्रूफ थेवेनिन्स थ्योरम। क्या आता है, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम, यही बेसिकली हमेशा आता है। इस बार थेवेनिन्स थ्योरम दिया तो नेक्स्ट आंसर नॉर्टन्स थ्योरम दे दे, तो आपको इसको ध्यान रखना। नंबर 7 नंबर आता है व्हाट इज मेंट बाय रेजोनेंस इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, गिव द थ्योरी ऑफ डीके ऑफ करंट इन एन एलसीआर सर्किट। ठीक है, ये भी आपका है। नंबर 8, राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें कोई आपको कोई किसी दो पे शॉर्ट नोट्स लिखना है तो इजी है, ज़्यादा ऐसा हार्ड है नहीं। तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, फिर है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का किसी का भी सेट शॉर्ट नोट्स लिखना है। फिर है यहाँ पे बीएच कर्व एंड हिस्टेरिसिस, ये आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और फेरोमैग्नेटिक, या फिर आप फेरोमैग्नेटिज पर शॉर्ट नोट्स लिख दीजिए। तो और लास्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस बार भी आया है बट अगले बार का आने का भी बहुत ज़्यादा चांस है, जिसका नाम है ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इससे क्वेश्चन रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे आना तय है। तो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर 12 नंबर का, तो आपको टोटल अटेंड करना है 5 से ज़्यादा अटेंड करना है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको जितना नंबर का है उतना नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगी बात, मेरी बात ये है कोर 3 है, अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा कोर 4 के बारे में। ठीक है, कोर 4, ठीक है, स्टार्ट करें कोर 4। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, तो कोर 4 स्टार्ट करते हैं। कोर 4 कहाँ गया हमारा, कोर 4, ओ ये क्या गया, हाँ कोर 4 आ गया। ठीक है, कोर 4 का बात है। ठीक है, तो फुल मार्क्स फिर से 60 है, फुल मार्क्स फिर से क्या है सर, 60 है, क्या है 60 है, और टाइम 3 घंटा आपको मिलेगा। ठीक है, और क्या सर, और क्या है मैं बता रहा हूँ और क्या है, और देन फिर वही टोटल फुल मार्क्स आंसर द बोथ द ग्रुप एज डायरेक्टेड। ठीक है, ग्रुप ए। ठीक है, और अपने वर्ड्स में आंसर लिखना आपको कोशिश कीजिए, हमेशा अपना वर्ड में आंसर लिखें, बुकिस वाला भाषा ना लिखें, लिखें कीवर्ड्स ले वहां से आप, बट अपना वर्ड जरूर यूज करें। ठीक है, तो अब आता है ग्रुप ए। ग्रुप ए कंपलसरी, फिर से आ गया कंपलसरी एमसीक्यू क्वेश्चन, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ए एंड टेम्परेटी, द टाइम रिक्वायर्ड बाय ट्रेवल फ्रॉम एक्स ए टू एक्स ए बाई टू टी अपॉन सिक्स। ठीक है, ये टी अपॉन सिक्स क्या है, ऑप्शन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू हाँ, फिर ये आ गया, ऑप्शन था t/4, t/3 या t/2 क्या होगा। नंबर बी में है लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग दिया है आपका, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग दे दिया है और ट्राई टू रिजिड सपोर्ट 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर ठीक है, 40 सेंटीमीटर दे दिया, और मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ए स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस ऑन इट क्या होगा। ठीक है, फिर सी नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट वेव टेक्स प्लेस फ्रॉम अ सरफेस ऑफ ए डेंसर मीडियम द फेज ऑफ द वेव चेंज बाय, इसका क्या होगा। ठीक है, फिर नंबर डी है, न्यूटन रिंग्स आर फ्रिंजेस ऑफ, किसके लिए है, फिर आपको इसमें भी टिक कर लेना। सारा ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से आप देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर डिस्कस करते हैं अब हम लोग आगे का, या डी तक हो गया है। तो आप बात करते हैं डी, ई का बात करते हैं, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा सर,
उसके बाद उसका भी देख लेना है, द रिजल्ट पावर टेलीस्कोप क्या होता है, नंबर ई, ठीक है, नंबर ई ई ई ई ई, ठीक है। और फिर है जोन प्लेट, जोन प्लेट है, जोन प्लेट इज सिमिलर टू, क्या होता है, किसके जैसा दिखता है, ठीक है। फिर आता शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नो आंसर क्वेश्चन, ठीक है, 3x6, ठीक है, ये वाला देखिएगा, तीन टोटल तीन क्वेश्चन दो नंबर, टोटल तीन क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं, छः नंबर हो गए। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। और नंबर बी क्या है, इन अ न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट इफ द डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग्स चेंजेस फ्रॉम 3 mm टू 2.5 mm व्हेन अ लिक्विड इज, क्या। तो ऑप्शन, और ये आपको पूरा ये करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये, ठीक है। और तो ये हो गया बी तक, बी तक आ गए हम लोग, तो बी तक आए हैं तो आगे भी चलते हैं ना, बी तक आ गए हैं। तो ये हो गया इंट्रोड्यूस बिटवीन द लेंसेस एंड प्लेट कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है, लिक्विड ए, ग्रुप ए था टोटल, ठीक है, ये ग्रुप ए का था, ठीक है। अब इसे हम आगे देखते हैं, ग्रुप बी में क्या है, ग्रुप बी में, ग्रुप बी में क्या है सर, तो ग्रुप बी में आंसर एनी फोर क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपको चार आंसर पे देना है, ठीक है, चार आंसर पे अपना आंसर देना है, ठीक है। तो क्या है सर वो थोड़ा देख लेते हैं, प्लॉट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्री ऑसिलेटर अगेंस्ट इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन एंड सो डैट इट्स टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट, नंबर छः। फिर बी नंबर, ऑब्टेन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऑब्टेन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ओवरटोन ऑफ ए स्टेशनरी वेव इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, ये भी हुआ। नंबर थ्री, व्हाट आर डैम्ड ऑसिलेटर, डैम्ड ऑसिलेटर किसे बोलते हैं, सेटअप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग अ डैम्ड ऑसिलेटर और डिस्कस द केस ऑफ लाइट डैम्पिंग, ठीक है, ये भी कितना नंबर का है, 12 नंबर का। नंबर फोर क्या है, डिड्यूस न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या है, डिड्यूस न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, व्हाट करेक्शन वेयर अप्लाइड बाय लैपलेस इन दिस फॉर्मूला, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ दिस करेक्शन, 12 नंबर का है ये, ये सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये भी फोर नंबर तक हो गया सर, फोर नंबर तक हो गया है, फोर नंबर तक हो गया, आप ओहो फोर नंबर तक हो गया। नंबर फाइव है, ध्यान से देखिएगा, डिराइव एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग बाय द रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट, प्रूव दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट डायमीटर्स ऑफ ब्राइट एंड डार्क रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर रिस्पेक्टिवली। सब सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है, 12 मार्क्स के हैं, तो आपको ध्यान रखना है, 12 मार्क्स लेना होगा तो 12 मार्क्स के जैसा लिखना भी होगा, ठीक है, 12 मार्क्स है तो 12 मार्क्स के जैसा लिखना भी होगा, ठीक है, ले रहे हैं यहां तक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये नंबर छह में डिस्क्राइब 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 Describe the construction and theory of Michelson interferometer. ये बहुत important है. How it is used? Measure the wavelength of a monochromatic light. ठीक है. Number 7 क्या पूछ रहा है? What is difference between differential and Fraunhofer's diffraction? ये सब बहुत important question है. आपको हमेशा करना है. ऐसा नहीं अगले बार भी करके ही जाना है. ठीक है. Discuss the Fraunhofer's diffraction pattern due to a single slit and so द इंटेंसिटी ऑफ ए सक्सेसिव मैक्सिमा फॉल्स रैपिडली. ठीक है. नंबर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन क्या है एज अप्लाइड टू द फेनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए फ्रेंशियल हाफ पीरियड जोन सो दैट द एम्पलीट्यूड ड्यू टू कंप्लीट वेव फ्रंट एट ए पॉइंट इन जस्ट हाफ ऑफ दैट ड्यू टू द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन एक्टिंग्स अलोन. ठीक है, तो देख लीजिए क्लास, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी 12 मार्क्स का है, सारे 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जरूर ध्यान रखिएगा अपना नहीं क्वेश्चन का और अपने कॉपी का भी. ठीक है, तो ये आठवां हो गया और ये रहा हमारा लास्ट, जो कि शॉर्ट नोट से कोई भी आपको दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 6-6 नंबर का है. ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड लिख दीजिए या तो देन फिर सब सही ड्रॉ. ठीक है, तो ये 9 नंबर राइट है शॉर्ट नोट्स. ठीक है, राइट है शॉर्ट नोट्स. ठीक है, सेटर शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, मेजरमेंट पहले क्या है, मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड
और नंबर बी में शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और फिर नंबर सी में रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, या फिर लिखना आपको जोन प्लेट। ये जो आप जोन प्लेट देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं थोड़ा एडवर्टाइज कर दे रहा हूँ अपना चैनल का, और जिनको आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए ही चाहिए हमेशा, तो जितना भी आप लोग हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, और देन फिर हो जाएगा सारा, मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये था सेमेस्टर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो ये सेमेस्टर 2 फिजिक्स ऑनर्स का था, ठीक है, जिसका एग्जाम 2022 में 21 फरवरी को हुआ, और पेपर पहले तो और पहले ही हो गया था, 20 या 19 को ही फरवरी को हो गया था, 2022 में हुआ था ये। तो नेक्स्ट टाइम आप जब एग्जाम दोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लोगे अच्छे से एक बार, और थोड़ा एनालाइज करोगे अपने से, देन तैयारी करोगे फिर। और भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो 12-12 नंबर वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं जो रिपीट होते हैं, तो आपको रिपीट पे भी ध्यान देना है, और साथ ही साथ जॉब कर रहे हो वो करना ही करना है। अगर आपको कुछ किसी चीज़ का नोट्स चाहिए, किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, तो आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर में मैंसन कर दिया हूँ, वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप करें। और मेरा ब्रांच धनबाद में ही है, ठीक है, 3 जगह ब्रांच है मेरा, ठीक है, SSLNT के पास ही है बेसिकली, खास करके SSLNT के पास है एक ब्रांच है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, देन आप मुझे व्हाट्सअप करें, या फिर देन कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन पेपर किसी का चाहिए, तो कोशिश कीजिए, मैं कोशिश करूँगा अवेलेबल करा देने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।